हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिप्रास वर। तो आज है फिर से संडे। संडे इज अ हॉलीडे एंड संडे इज अ बिजी डे। तो चलिए आज मॉर्निंग में अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं घड़ी में 10, क्योंकि सुबह सुबह उठी हूँ देर से और संडे है तो थोड़ा सा सोना तो बनता है, क्योंकि रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है। 6 बजे बच्चों का स्कूल रहता है, 7 बजे तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो आज आराम से सोई और अभी उठी और अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो चली आज पूरे दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ इस बिजी संडे में, आप देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए अभी फटाफट से बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बनाऊंगी एक टमेटो पास्ता, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलिए बना लेती हूँ पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए देखिए, पहले मैंने पास्ता को बॉइल्ड करने के लिए रख दिया है गर्म पानी में। ये पास्ता बॉइल्ड हो जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ क्या, एक टमेटो पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। टमेटो डाल के उसमें एग डाल के बनाए जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो फटाफट से ईजी में यही ब्रेकफास्ट मुझे आज बनाने का मन किया और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो चलिए पास्ता बना लेती हूँ। हो चुका है पास्ता, बॉइल्ड हो चुका है। और अभी देखिए मैंने तेल के ऊपर डाल दिए हैं ऑनियन, उसके ऊपर डाल दूंगी टमाटर, एक पास्ता मसाला और पास्ता डाल के बना लूंगी एक टमेटो पास्ता, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो मैं आज रेसिपी पूरा शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं पास्ता बना रही थी चलिए, तो सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। पास्ता बन के है बिल्कुल तैयार। तो चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, जो भी गर्मा गर्म पास्ता के साथ। बाय बेटू। ओके, अभी ड्राइंग क्लास के लिए जा रहे हैं मेरे बच्चिया। ले बेटा पेपर फटाफट से। 10 बजे से उनका ड्राइंग क्लास है, लेकिन देखिए अभी 10:25 हो गया। आज थोड़ा लेट हो गया, याद ही नहीं रहा आज ड्राइंग क्लास है। तो चलिए मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, बच्चे भी ड्राइंग क्लास चले गए, और मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपना काम पे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ। वाह, एक पास्ता बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए करते एक पास्ता को एंजॉय। तो दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी चल रहा है मेरा घर का क्लीनिंग, क्योंकि आज है संडे और कभी कभी टाइम निकाल के घर का क्लीनिंग भी करना चाहिए। पर मैं क्लीनिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है। आज बच्चों का स्कूल ड्रेस वगैरह सब क्लीन करना है। संडे का दिन बहुत काम रहता है, आपको तो पता ही है, बिजी हूँ। और घर का हालत थोड़ा आपको दिखाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखो पूजा कर रही है अभी मेरे घर की क्लीनिंग। अभी किचन का क्लीनिंग चल रहा है, इसीलिए सामान अभी फैला हुआ है। तो जब तक वो क्लीन कर रही है, मैं सामान को समेटने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद बच्चों को ड्राइंग क्लास से लाना है, लंच की तैयारी करनी है। अभी बज रहे 11:30 और अभी तक लंच नहीं बना है। फिर स्नान करना, पूजा करना, बहुत कुछ काम है। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। Thank you.
तो घर का क्लीनिंग तो करके चली गई, लेकिन उसके बाद देखिए जो सारा फैला हुआ है उसको मुझे समेटना है और मुझे भी बहुत काम है, ये गैस किचन सब क्लीन करना है, तो आज बहुत सारा काम है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि संडे इज़ अ हॉलीडे एंड संडे इज़ अ बिजी डे। छुट्टी के साथ साथ हमें काम भी बहुत रहता है, हाँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है इस हॉलीडे को एंजॉय करना चाहिए। इसलिए जो संडे मुझे टाइम मिलते हैं मैं एंजॉय भी करती हूँ और किसी किसी दिन किसी किसी संडे को बहुत बिजी भी रहती हूँ। तो हम हाउस वाइफ होते ही ऐसे, हम हाउस वाइफ एक साथ सब कर सकते हैं। तो चलिए किचन का क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन क्लीनिंग करने के बाद मैंने देखी यहाँ पे कपड़े को डाल दिया वॉशिंग मशीन में, तो चलिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन अपना काम कर लेगा और बाकी जो सारा काम है वो भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। अभी नहा धोके फ्रेश हो गई हूँ और जा रही हूँ बच्चों को ड्राइंग क्लास से लाने। देखिए अभी घड़ी पे बजे 1 बजे छूटता है, पर 1:10 हो गया है, तो जल्दी से जाती हूँ और बच्चों को ड्राइंग क्लास से लेके आती हूँ। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, मैं ड्राइंग क्लास से आते आते ये गन्ने का जूस लाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, तो गन्ने का जूस बहुत ठंडा मिलता है और अच्छा रहता है सेहत के लिए। यहाँ पे राइस बन रहा है, अभी राइस बनते बनते मैं अभी जूस पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, तो लंच में बनेगा आज भिंडी मसाला। तो आज बना रही हूँ भिंडी मसाला और उसके साथ बनेगा फिश फ्राई और दाल, और क्या क्या बनता है देखते रहिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ आज, बहुत ही सिंपल सा लंच बना रही हूँ। तो देखिए दिन भर कितना काम होता है, एक हाउस वाइफ बिजी रहती है, हाउस वाइफ को दिन भर बहुत काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक बैठने को भी बिल्कुल टाइम नहीं आता हमारे पास, है ना। तो देखिए कितना काम करते हैं हम लोग, उस बाहर का काम घर का काम हम लोग सब कर सकते हैं, हम दोनों हाथों से 10 हाथों का काम करते हैं दोस्तों।
दोस्तों, आज लंच में क्या है? आज लंच में गर्मा गर्म राइस, उसके साथ है फिश फ्राई, उसके साथ है ये भिंडी मसाला और उसके साथ ये मसूर की दाल। तो बहुत सिंपल सा लंच है संडे के दिन। आज बहुत कुछ नहीं बनाया है। तो दोस्तों, आज लंच में एकदम बहुत कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि अभी गर्मी है, तो बहुत सिंपल सा लंच बनाया है। और डिनर में आज बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, तो इसीलिए दोपहर को सादा सिंपल सा लंच कर रहे हैं। और लंच में तो मैंने आपको बैक कैमरा करके दिखाया कि राइस है, उसके साथ है भिंडी मसाला, उसके साथ है सुरमई फिश फ्राई, किंग फिश जिसको बोलते हैं, और उसके साथ है मसूर की दाल। तो इसी से करेंगे आज लंच कंप्लीट। और बच्चों को लंच करा दिया है, अभी मैं कर रही हूँ लंच, तो चलिए लंच कर लेते। महाराष्ट्र में किंग फिश बहुत ही फेमस है, और किंग फिश का जो फिश फ्राई होता है ना सुरमई फिश का, वो बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। तो लंच करने के बाद किचन वगैरह क्लीन किया, फिर थोड़ा सा मूवी देख रही थी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी मूवी हो रहा था, तो मैं मेरी बेटियां तीनों मिलकर आज मूवी देख रही थी। उसके बाद सो गए, बहुत नींद आ रही थी, और उठ के अभी भगवान की पूजा किया, सब चाय पी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग समर वैकेशन में छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, तो उसी के लिए थोड़ा सा शॉपिंग बाकी है। अभी रोज़ रोज़ ही शॉपिंग कर रही हूँ, इसीलिए कितना वीडियो पोस्ट करूँ इसीलिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या क्या शॉपिंग किया है एक दिन उसका पूरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा शॉपिंग करके आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। और देखिए, अभी घड़ी पे बज रहे 8 बज गए हैं, दुकानें 8:30-9 बजे तक बंद हो जाता है, तो फटाफट से चलती हूँ शॉपिंग कर लेती हूँ। अपना शॉपिंग खत्म करने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, जहाँ पे बन रहा है चिकन बिरयानी, वो भी टेस्टी टेस्टी। तो बिरयानी किसे ना पसंद है ना, बिरयानी तो सबको पसंद है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉन वेज वाला चिकन बिरयानी, और जो लोग वेजिटेरियन है उनको वेज बिरयानी, लेकिन बिरयानी तो सबको अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज संडे है, आज बिल्कुल घर पे खाना मत बनाओ, ऑफिस में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बन रहा है बिरयानी। तो मैं भाग भाग के यहाँ पे आ गई बिरयानी खाने के लिए दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे हो रहा है बिरयानी भी तैयार। बिरयानी बनने के बाद यहाँ पे करेंगे डिनर। दोस्तों, शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, और आज देखिए छोटी अभी क्या कर रही है, इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, पर मैं नहीं दे रही हूँ चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और अभी करना है डिनर। तो आज डिनर बनाना बिल्कुल घर पे नहीं था, तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में आज बन रहा है चिकन बिरयानी, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे करेंगे आज डिनर। तो चलिए देखते हैं बिरयानी कैसे बनाए, और मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है बिरयानी सुन के। बिरयानी किसे ना पसंद है, बिरयानी सबको पसंद होता है। तो चलिए करते हैं अपना डिनर कंप्लीट, चिकन बिरयानी को एंजॉय, और आप भी कीजिए मेरे साथ मेरे वीडियो को एंजॉय। मनु देख लिया हो ना? तो डिनर कंप्लीट करने के बाद देखिए मैं अभी घर के लिए निकल पड़ी हूँ, और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ में ले लिया है, इसीलिए तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं कहाँ भी जाती हूँ, कौन से टाइम में भी जाती हूँ, ये हमेशा मेरा साथ देते हैं।
दोस्तों, अभी बज रहे रात के 12:10 हो चुका है और मैं मेरे हस्बैंड का ऑफिस से घर आ गई हूँ। हम सब ने वहाँ पे डिनर किया, बिरयानी खाया, चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी बना था। किसी और के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है, अपने आप खुद से बनाओ तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आज पूरा संडे बहुत ही अच्छे से बीता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। तो गुड नाइट।